गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं जा रहा हूँ फिर से रोड तरफ घूमने, और ये देखो जी, धान लगी हुई है, इसमें पानी लगा है, बरसात तो हो नहीं रही है। ये है जी अपना गांव। खेत जुत गए हैं और वर्षा नहीं हो रही ना, नहीं तो उसमें रोटावेटर से मत उगा लग जाता, इसमें धान वान लग जाती। इस साल बारिश नहीं हो रही, बस एक दिन हुई है, इसके बाद बरसात ही नहीं हुई। दोस्तों आप सब वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ यार दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया करो यार। ये देखो जी नज़ारे, मेरा गांव परसवारा, और मैं जा रहा हूँ आज, बहुत दिन से नहीं गया। आज इधर दुकान बन रही थी, अभी पूरा काम भी नहीं हुआ, तो मैं सोचा चलो यार थोड़ा सा एक ब्लॉग बना लेते हैं। वो है जी अपनी दुकान, अब इसमें छत पड़ेगा बरसात के बाद, क्योंकि अगर बरसात में छत डलवाई, अगर थोड़े से भी मिट्टी फंस गई तो पानी टपक ज़्यादा टपक सकता है, चू सकता है छत, क्योंकि मिट्टी में सीमेंट की पकड़ नहीं होती उसे। अभी मेड़ों पे आप देख लो कि अच्छे से, जिसको चारा बोलते हैं, घास तक नहीं हुई। मवेशी बेचारे क्या चढ़े नहीं, आज के इन सब में रोपा लग जाता है, बहुत पीछे है मानसून के कारण, बहुत पीछे है सब। और ये है जी अपनी दुकान बनेगी, बस थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जाड़ के दुकान का काम करना, क्योंकि कष्ट बहुत पैसे लगते हैं और आज की डेट में महंगाई जानते हैं। ये कोई दूसरी दुकान अपनी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो यार, बस आपसे यही गुजारिश है। ये देखो जी नज़ारे, ये हमारी नेशनल हाईवे 30 है, जो पहले 7 हुआ करती थी, बाद में उसको 30 कर दिया गया। सुबह सुबह का माहौल है, और आप जो ये देख रहे हैं ना, ये तार लग चुकी है, बस अभी यहाँ थोड़ा सा बाकी, यहाँ भी लगा दी जाएगी, क्योंकि मवेशियाँ परेशान करते हैं। और ये रखा अपना रेत, यहाँ पे लगेगा। और ठीक हमारे सामने वो जो दिख रही है सजल फूड्स एंड प्राइवेट लिमिटेड,
यहाँ पे मैदा रापा वो आपको दिख रहे होंगे राड, यहाँ पे बनेगी कंपनी। अभी सुबह सुबह को उन्होंने पूरी रोड खाली है, ये हमारे भारतीय जो इंडियन के गांव होते हैं ना, गांव की एक लाइफ होती है, तो आपके पास वही दिखा रहे हैं। पूरी रोड खाली है, और इतने ज़्यादा मवेशी जो है ना आवारा है, आप पूरी रोड में देख सकते हो गोबर डला है, सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान यही करते हैं। हाँ, और ये देखो जी हमारे गांव के जो घर होते हैं, एकदम शांत सा वातावरण, और ये अपना गांव परसवार। और ये कामता भाई का घर,